हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आइए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एरर के बारे में, और मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी ने वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर ली होंगी। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से हमारे पास में होमवर्क भी सेंड किया है, बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही आप लोग लगे रहिए बेटा। चलिए, तो अब हमने कल की क्लास में जो एरर के बारे में डिस्कस किया था ना बेटा, अब समय है उनके ऊपर क्वेश्चंस को बनाने का, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। फिजिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कंसेप्ट को पढ़कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो प्रॉब्लम आती है बेटा वो है ये। अब आपको ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आप अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट करने के बाद में चारों ऑप्शंस आप लिखेंगे, उसके बाद आप फर्दर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका काम है बेटा, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बेटा प्रॉब्लम है हमारे पास में स्मॉल ए इज इक्वल टू बी टू द पावर एल्फा सी टू द पावर बीटा, उसके बाद में है अपॉन डी टू द पावर गामा, और यह है ई टू द पावर डेल्टा। ये हमारे पास में ना बेटा प्रॉब्लम है। हमें कहा गया है कि बी वन के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो इतनी है, सी के अंदर इतनी है, डी के अंदर इतनी है, और ई के अंदर इतनी है। तो आपको बताना है कि ए के अंदर कितनी परसेंटेज एरर होगी। ये ए दिख रहा है ना आपको, इस ए के अंदर परसेंटेज एरर कितनी होने वाली है ये आप लोगों को बताना है। तो बहुत ही आसान है भाई, कैसे बताएंगे हम लोग, जरा देखो। सबसे पहले जिसके अंदर हमें परसेंटेज एरर बतानी होती है, हमारा काम यह है कि उसकी पावर होनी चाहिए वन। कितनी होनी चाहिए? वन। हमें ए के अंदर परसेंटेज एरर बतानी है, सो ए की पावर वन होनी चाहिए। तो आप देखो ए की पावर वन है या नहीं है। ए अकेला लेफ्ट साइड में होना चाहिए और ए की पावर वन होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसे एक्सपेंड कर देते हैं। जो कल की क्लास में हमने सीखा, हमने लिख दिया डेल्टा ए परसेंटेज इज इक्वल टू बी टू द पावर एल्फा, एल्फा सामने, डेल्टा बी परसेंटेज प्लस सी टू द पावर बीटा, बीटा सामने, डेल्टा सी परसेंटेज प्लस गामा सामने, डेल्टा डी परसेंटेज प्लस डेल्टा सामने, डेल्टा ई परसेंटेज। ये रिजल्ट निकल कर आया बेटा हमारे पास में। हमने फॉर्मूले को अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया, और उसके बाद जो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया, ये रिजल्ट निकल कर आया बेटा। अब आप देखिए कि हमें गिवन क्या दिया गया है। डेल्टा बी परसेंटेज की वैल्यू हमें दी गई है बी वन, डेल्टा सी परसेंटेज की वैल्यू हमें दी गई है सी वन, डेल्टा डी परसेंटेज की वैल्यू हमें दी गई है डी वन, और डेल्टा ई परसेंटेज की वैल्यू हमें दी गई है ई वन। चलिए पुट कर देते हैं। आंसर बनेगा डेल्टा ए परसेंटेज इज इक्वल टू एल्फा, डेल्टा बी परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे बी वन प्लस बीटा, डेल्टा सी परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे सी वन प्लस गामा, डेल्टा डी परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे डी वन प्लस डेल्टा ई परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे ई वन। हमने ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज किया और ये आंसर आ चुका है बेटा हमारा परसेंटेज में। यानी ए के अंदर हमें परसेंटेज एरर निकालनी थी और ए के अंदर इतनी परसेंटेज एरर हमारी निकल कर आएगी। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो और कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम कल की क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जैसा हमको दिख रहा है वैसे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है, आराम से प्रॉब्लम को पढ़ना है,
ये देखना है कि आपको गिवन क्या दिया गया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की तरफ चलेंगे। देखो बेटा, प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, द प्रेशर ऑफ अ स्क्वायर प्लेट बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द प्लेट, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड द लेंथ आर रिस्पेक्टिवली। फोर्स के अंदर जो एरर है वो हमें इतनी दी गई है और लेंथ के अंदर जो एरर है वो हमें इतनी दी गई है। बेटा हमें बताना है कि प्रेशर के अंदर कितनी एरर होगी। देखो यहाँ एक छोटी सी समस्या आपके सामने आ सकती है, वो समस्या ये है कि आपको हो सकता है कि फॉर्मूले याद ना हो, तो फॉर्मूलों के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। फॉर्मूले तो बेटा आप जैसे जैसे सिलेबस पढ़ते जाओगे ना, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। तो फॉर्मूले के ऊपर बिल्कुल मत जाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है डेल्टा एफ परसेंटेज, हमें फोर्स का परसेंटेज दिया गया है 4%। सेकेंड, और हमें क्या गिवन दिया है, हमें गिवन दी है लेंथ परसेंटेज, लेंथ परसेंटेज है हमारे पास में 2%। फोर्स परसेंटेज है बेटा हमारे पास में 4%, यानी फोर्स के अंदर 4% की एरर है, लंबाई के अंदर 2% की एरर है। हमें बताना है कि प्रेशर के अंदर कितनी एरर होगी। अब आप देखिए कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। भाई हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो ये है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है, आराम से सभी चीजें याद हो जाएंगी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बेटा एरिया को मैं लिख सकता हूं लेंथ स्क्वायर, एरिया को मैंने लिख दिया लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ यानी लेंथ स्क्वायर। अब आप देखिए, मुझे प्रेशर के अंदर एरर चाहिए, और आप जानते हैं कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यह है कि जिसके अंदर एरर चाहिए वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। मुझे निकालनी है प्रेशर के अंदर एरर, तो प्रेशर एक तो लेफ्ट साइड में है और एक प्रेशर की पावर 1 है, यानी जो मैं चाहता हूँ वो यहाँ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बेटा प्रेशर को मैं लिखूंगा डेल्टा पी परसेंटेज इज इक्वल टू, एफ की पावर 1 है तो 1 आ जाएगा सामने, और ये लिखा जाएगा डेल्टा एफ परसेंटेज प्लस एल की पावर 2 है, हमेशा प्लस ही आना है आप जानते हो, 2 सामने आ जाएगा और ये बन जाएगा डेल्टा एल परसेंटेज। ये बनेगा बेटा हमारा रिजल्ट। अब आप देखो, डेल्टा पी परसेंटेज इज इक्वल टू फोर्स के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 4%, लंबाई के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 2%, हमें गिवन दे रखी है। फोर्स के अंदर परसेंटेज एरर है 4% और लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर है 2%। हमने सॉल्व किया तो आंसर निकल कर आया बेटा हमारे पास में 8%। सो करेक्ट आंसर इज 8%, और इन चारों ऑप्शन में से 8% हमारे पास में ये है, यानी लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा हमारा इस क्वेश्चन का। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको सिर्फ टैक्टिक्स और टेक्निक्स पे ध्यान देना है कि कैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, उस बात पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी 57 नहीं करना है, 57 दो मिनट के लिए होल्ड पर रखते हैं, थोड़ा सा पहले एक दो क्वेश्चन आगे के बना लेते हैं, फिर 57 पर लौट कर आएंगे हम लोग। पहले हम लोग 58 बनाते हैं बेटा। देखो 58 प्रॉब्लम क्या है अपने पास में, 58 प्रॉब्लम क्या है अपने पास में, जरा आप लोग देखिए। द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हमें गिवन है। वी यानी वोल्ट, वोल्ट की वैल्यू है 100 प्लस माइनस के 5, करंट की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर्स। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर। देखो बेटा प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, प्रॉब्लम नंबर है 58, हमें दिया गया है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट,
ये हमें गिवन दिया गया है, हमें परसेंटेज एरर निकालनी है आर में। तो आप जानते हैं कि जिसके अंदर परसेंटेज एरर आपको निकालनी है या जिसके अंदर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है, वो अकेला एक साइड में होना चाहिए और उसकी पावर वन होनी चाहिए। तो बेटा देखो, हमें आर के अंदर एरर निकालनी है, आर अकेला एक साइड में है और आर की पावर वन है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे इसे मिस करके चलते हैं। बेटा आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो आर को मैं यहाँ लिखूँगा, डेल्टा आर परसेंटेज इज इक्वल टू वी की पावर भी वन है और आई की पावर भी वन है। वी को मैं लिखूंगा डेल्टा वी परसेंटेज, बीच में लगाएंगे प्लस, और आई को हम लिखेंगे डेल्टा आई परसेंटेज। ये बन गया बेटा हमारे पास में फॉर्मूला, डेल्टा आर परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा वी परसेंटेज प्लस डेल्टा आई परसेंटेज। अब आर के अंदर तो परसेंटेज एरर हमें निकालनी ही है, हम ये देखेंगे कि वोल्टेज में कितनी परसेंटेज एरर होगी और करंट में कितनी परसेंटेज एरर होगी। चलिए वोल्टेज वाला सिस्टम हम स्टार्ट कर देते हैं। वोल्टेज के अंदर परसेंटेज एरर होगी डेल्टा वी परसेंट इज इक्वल टू, देखो बेटा कैसे निकालेंगे, ये वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई है यहां पर, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो। एरर वाली वैल्यू है 5, इसे रखेंगे ऊपर। मेन वैल्यू है 100, इसे रखेंगे नीचे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये किसी भी क्वांटिटी की एरर वाली वैल्यू यानी परसेंटेज एरर निकालने का तरीका होता है। एरर वाली वैल्यू को रखा ऊपर, मेन वैल्यू को रखा नीचे, और मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया 100 से। अब आप देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर बन गया हमारे पास में 5%। द परसेंटेज एरर इन वोल्टेज इज 5%, वोल्टेज के अंदर परसेंटेज एरर हमारी 5% होगी। अब आते हैं बेटा हम करंट पर, करंट के अंदर कितनी परसेंटेज एरर होगी। देखो करंट की वैल्यू हमारी ये लिखी हुई है यहाँ पर, देखो बेटा करंट की जो वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ लिखी हुई है। करंट के अंदर एरर कितनी है 0.2, हमने 0.2 को यहाँ रखा। मेन वैल्यू कितनी है 10, उसे यहाँ रखा, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारे पास में 2%। वोल्टेज के अंदर जो एरर है वो तो है 5%, करंट के अंदर जो एरर है वो है 2%, निकल चुकी है। बस उठाकर दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। जैसे ही दोनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करेंगे, वोल्टेज की एरर है 5%, करंट की एरर है 2%, एंड द करेक्ट आंसर इज 7%। तो बेटा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी रेजिस्टेंस के अंदर जो परसेंटेज एरर आप लोगों की आने वाली है वो 7% आने वाली है। ऐसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हों और आप लोगों को बात समझ आई हो। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हो इसके अंदर। बेटा आप जल्दी से नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जहां हम लोगों को फाइंड आउट करना था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। याद करिए बहुत सारे डेटा वहां दिए गए थे स्टूडेंट्स के, सबका मीन आपको निकालना है, फिर मीन में से पहली वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को, तीसरी वैल्यू को माइनस करना है, एब्सोल्यूट एरर निकलेगा, फिर सबका मीन निकालना है। यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है अभी भी, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म करे, फिर मैं दोबारा से इस प्रॉब्लम को बताऊंगा बेटा आप लोगों को। लेकिन जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं उसमें आप लोग कोशिश करें कि वो क्वेश्चन आप लोगों को बनाना ही बनाना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें अभी, ठीक है। 60 और 61 भी अभी हमें छोड़कर चलना है, क्योंकि इनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होना है जो मुझे अभी आप लोगों को बताने हैं। चिंता मत करिए, सब बताया जाएगा आप लोगों को। जैसे बेटा 62 प्रॉब्लम आती है हमारे पास में, हमारे पास में प्रॉब्लम आती है बेटा 62। अब देखिए 62 प्रॉब्लम क्या है। अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड, जो हीट का फॉर्मूला हम लोगों को दे रखा है वो है
एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, वेयर आई इज अ करंट, आर इज अ रेजिस्टेंस एंड टी इज अ टाइम। मतलब फॉर्मूले से तो ज़्यादा आपको मतलब है नहीं, फॉर्मूला तो आप आगे आने वाले सिलेबस में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ देखिए क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट के अंदर परसेंटेज एरर आपको निकालनी है। देखो ऑप्शन भी आपके परसेंटेज में है, यानी परसेंटेज एरर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट? सबसे पहले हीट की परसेंटेज एरर हमें निकालनी है बेटा, तो हीट की पावर होनी चाहिए 1। जिसकी परसेंटेज एरर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। और देखो हीट की पावर 1 है या नहीं है, बिल्कुल 1 है। तो एच को हम लोगों ने लिख दिया बेटा यहाँ पर, डेल्टा एच परसेंटेज इज इक्वल टू, आई की पावर 2 है हमने लिख दिया 2 डेल्टा आई परसेंटेज, प्लस आर की पावर 1 है हमने लिख दिया डेल्टा आर परसेंटेज, प्लस टाइम की पावर 1 है हमने लिख दिया डेल्टा टाइम परसेंटेज। चलिए अब हम करते हैं बेटा वैल्यू पुट। ये बताइए करंट के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है? बेटा करंट के अंदर परसेंटेज एरर आपको दे रखी है 3%, करंट के अंदर परसेंटेज एरर है 3%, रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज एरर है 4%, और टाइम के अंदर परसेंटेज एरर है 6%। सो करंट के अंदर है 3%, रेजिस्टेंस के अंदर है 4%, और टाइम के अंदर है 6%। सो ओवरऑल जो हमारा आंसर यहाँ से बनेगा वो बनेगा 16%, यानी द परसेंटेज एरर इन हीट इज 16%। हीट के अंदर जो हमारी परसेंटेज एरर बनने वाली है बेटा वो बनने वाली है 16%। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ आई हो कि कैसे हमने हीट के अंदर परसेंटेज एरर को फाइंड आउट किया है। वेरी इजी, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए हम इन क्वेश्चंस को बता रहे हैं, जिससे कि आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना रहे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे आप लोगों का टॉपिक। तो यहाँ हमारी हीट की परसेंटेज एरर होगी 16%। ओके चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को आंसर नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 63, देखिए बेटा प्रॉब्लम नंबर 63 क्या है हमारे पास में। सबसे पहले बिल्कुल वही बात, फिजिक्स में हमें एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लेनी है कि हमें सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, ये देखना है कि गिवन क्या दिया गया है, उसके बाद हम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर जो परसेंटेज एरर है बेटा वो है 50%। गिवन है आप लोगों को, ये वेलोसिटी के अंदर जो एरर है वो 50% है। आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी एरर होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी एरर होगी। वेलोसिटी की एरर आपको दे रखी है 50%, काइनेटिक एनर्जी की एरर आपको बतानी है। बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो ये है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन से एक नई बात आपको सीखने के लिए मिलेगी। हमें काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर चाहिए, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी की पावर देखी 1 है या नहीं है, बिल्कुल 1 है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा के परसेंटेज इज इक्वल टू हाफ, ये तो कांस्टेंट है, हाफ तो एक नंबर है, हटाओ इसे यहां से, एम की पावर कितनी है 1, हमने इसे लिख दिया डेल्टा एम परसेंटेज, V की पावर कितनी है 2, तो ये आ गया 2 डेल्टा V परसेंटेज। ये कंडीशन हमारे पास में बन गई बेटा, हाफ कांस्टेंट था, मैंने उसे हटा दिया, मास को मैंने ऐसे लिख दिया और वेलोसिटी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप देखो वेलोसिटी की एरर तो हमें दे रखी है 50%, लेकिन हमें ज़रूरत तो मास की भी पड़ेगी, लेकिन मास की तो हमें कोई एरर नहीं दे रखी है। अब जिस क्वांटिटी की एरर हमें नहीं दी जाती है
उसकी एरर को हम 0% मानकर चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें मास की एरर नहीं दे रखी है, तो आप मास की एरर को 0% लेट करके चलोगे। आप ये मानकर चलोगे कि मास में कोई एरर है ही नहीं, मास में कोई एरर है ही नहीं, मास के अंदर जीरो एरर है अगर आपको मास की एरर गिवन नहीं दे रखी है तो। बस अब तो बन गया सवाल, अब क्या करना है इसके अंदर। डेल्टा के परसेंटेज इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा 0 प्लस 2, डेल्टा वी की जगह आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 100%। द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज 100%, करेक्ट आंसर होगा बेटा हमारे पास में 100%, काइनेटिक एनर्जी के अंदर 100% की एरर निकल कर आएगी। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई हो आप लोगों को, कोई इशू कोई परेशानी आप लोगों को ना हो और यहाँ तक आप लोग सभी चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हों। ठीक है, जितनी भी नई नई बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हें अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छे से आप लोग लिखें। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को रिपीट ज़रूर करें, वही आप लोगों का बेटा होमवर्क है और वही आप लोगों को मेरे पास में भेजना है। देखो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, मैं रोज़ इस बात को आप लोगों से बोलता हूँ बेटा, क्योंकि आप मुझसे दूर हैं, आप मुझसे दूर बैठे हुए हैं, अब मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं, अब मुझसे डिस्कनेक्ट हैं। तो इस डिस्कनेक्ट होते हुए भी आप लोगों को अपने आप को क्लास से ना बेटा बांध के रखना है, बाउंड करके रखना है, मतलब थोड़ा सा आपकी विल पावर यहाँ स्ट्रांग चाहिए। जितना आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखेंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे कि इस समय मुझे लेक्चर देखना है, इस समय मुझे अपना होमवर्क सेंड करना है, इस समय मेरे सर की कॉल मेरे पास में आएगी, कॉल को रिसीव करके मुझे उन्हें आंसरेबल भी होना है कि भाई मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, उतना बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। और ये जो 11th क्लास है बेटा, ये आपके कैरियर का बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ आप लोगों ने अच्छे तरीके से सब कुछ कवर कर लिया तो जीवन में कभी कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी आपको एक नई बात सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी पी, हमारे पास में प्रॉब्लम है बेटा, ए फिजिकल क्वांटिटी पी, और पी हमें दिया गया है, ये पी इज इक्वल टू ए टू दी पावर 3 बी टू दी पावर 1/2 अपॉन सी टू दी पावर -4 एंड डी टू दी पावर 3/2, ये हमें दिया गया है बेटा फॉर्मूला, ए टू दी पावर 3 बी टू दी पावर 1/2 सी टू दी पावर -4 एंड डी टू दी पावर 3/2, ये हमें ऑलरेडी गिवन दिया गया है बेटा, ऑलरेडी हमें ये सारी चीज़ें गिवन दी गई है। हमें बताना है द क्वांटिटी विच ब्रिंग्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी इज, यानी ये जो चार क्वांटिटी आपके सामने लिखी हुई है ना बेटा, इन चार क्वांटिटी में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर कौन कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करूँ, क्या बनेगा एक्सपेंड करके, पी की पावर कितनी है 1, तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा पी परसेंटेज इज इक्वल टू, ए की पावर कितनी है 3, हम इसे लिखेंगे 3 × डेल्टा ए परसेंटेज, बी की पावर कितनी है 1/2, हम इसे लिखेंगे 1/2 डेल्टा बी परसेंटेज, प्लस भले ही सी की पावर माइनस में है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे लिखेंगे 4 × डेल्टा सी परसेंटेज, प्लस डी की पावर कितनी है 3/2, हम 3/2 को सामने लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा डी परसेंटेज। ये पूरा डेटा हम लोगों ने सेट कर दिया, 3 × डेल्टा ए, 1/2 × डेल्टा बी, 4 × देखो भले ही सी की पावर नेगेटिव थी, लेकिन आपको भले ही सी की पावर नेगेटिव दे रखी है, लेकिन नेगेटिव लेना नहीं है आप लोगों को, लेना हमेशा पॉजिटिव ही है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा टर्म आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉफिशेंट किसका है, सबसे ज़्यादा कॉफिशेंट सी का है बेटा 4, C
सी का जो कॉफिशेंट है, डेल्टा सी परसेंटेज का जो कॉफिशेंट है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सी है ये मैक्सिमम पावर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मैक्सिमम एरर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मैक्सिमम एरर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा पी को, मैक्सिमम एरर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा पी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास में सी। आप ये समझिए, जिस भी टर्म की पावर मैक्सिमम होगी, जिस भी टर्म की पावर मैक्सिमम होगी, आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मैटर नहीं करता है, वही टर्म मैक्सिमम पावर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छे तरीके से आप लोग ये बात याद रखेंगे बेटा, जिस टर्म की पावर मैक्सिमम होगी चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो ही मैक्सिमम पावर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ सी की पावर सबसे ज़्यादा थी -4, भले ही -4 हो कोई दिक्कत नहीं है, सी ही सबसे ज़्यादा एरर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बेटा। ठीक है, करिए आप लोग नोट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है, एक नई बात आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलती है। ओके बेटा, ऐसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, ओ अभी तो हमारी प्रॉब्लम ही फिनिश हो गई, कोई बात नहीं, हमारे पास में बहुत प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को कराने के लिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमें गिवन दिया गया है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ध्यान से बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ के चलेंगे, हमें गिवन दिया है x इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए की जो वैल्यू हम लोगों को दी गई है वो है 2 ± 0.2 मीटर, और b की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 1 ± 0.1 मीटर। यहाँ डिवीज़न में यूनिट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, यहाँ ऐसा कोई यूनिट का चक्कर नहीं है कि यूनिट सेम ही सेम होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास में ये है और बी की वैल्यू हमारे पास में ये है, बिल्कुल ऐसे ही हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले ये देखो बेटा, यह है ए की मेन वैल्यू, यानी ए निकल गया हमारे पास में 2, यह है ए की एरर वाली वैल्यू डेल्टा ए, ये निकल गया हमारे पास में 0.2, ये है हमारे पास में बी की मेन वैल्यू, ये निकल गया हमारे पास में 1, और ये निकल गई हमारे पास में बी की एरर वाली वैल्यू। ये हमारे पास में ए की मेन वैल्यू है, ये ए की एरर वाली वैल्यू है, ये बी की मेन वैल्यू है, ये बी की एरर वाली वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में, एक्स कैसे निकलेगा, एक्स निकलेगा ए को बी से डिवाइड करके। अगर आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तब हमारा एक्स निकलेगा। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया हमारे पास में 2। यानी एक्स की जो मेन वैल्यू हमारे सामने निकल कर आई है बेटा, ये निकल कर आई है 2, ये हमारी एक्स की मेन वैल्यू निकल कर आई है। हमने x की मेन वैल्यू निकालने के लिए सिंपल जो ऑपरेशन था हमारे पास में a से b को डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास में 2 आ गया। अब आप देखिए बेटा, अगर मैं इसे एरर की फॉर्म में ले जाना चाहूँ तो x की पावर है 1, x को हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x, a को हम लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a, और b को हम लिखेंगे डेल्टा b अपॉन b। x को हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब आप देखो बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन में क्या है एक्स, और एक्स की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं 2, यहां पुट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू डेल्टा ए, मुझे पहले से पता है डेल्टा ए कितना है 0.2, ए कितना है 2, डेल्टा बी 0.1 और बी कितना है 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन 2 कैंसिल आउट 0.1 प्लस 0.1,
सो डेल्टा एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 0.2, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.4। लो बेटा, मेरे पास में डेल्टा एक्स निकल चुका है 0.4 और एक्स निकल चुका है 2। अब जैसे मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ, बी को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही एक्स को मैं लिख सकता हूँ। एक्स की मेन वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.4। ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा। जैसे ए की वैल्यू हमारी ये थी, बी की वैल्यू हमारी ये थी, वैसे ही हमने एक्स की मेन वैल्यू निकाल दी और वैसे ही हमने एक्स की एरर वाली वैल्यू निकाल दी। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए एक्स के अंदर परसेंटेज एरर, तो कैसे निकलेगी एक्स के अंदर परसेंटेज एरर? एरर वाली वैल्यू को रखेंगे ऊपर, मेन वैल्यू से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एरर वाली वैल्यू को रखेंगे ऊपर, मेन वैल्यू से करेंगे डिवाइड और 100 से करेंगे हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, क्या आंसर निकल कर आएगा हमारे पास में? आंसर निकल कर आएगा 20%। द परसेंटेज एरर इन एक्स इज 20%। हमारी एक्स के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगी बेटा, वो 20% आएगी। वो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई हो और परेशानी आप लोगों को यहाँ तक ना हो। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करिए। मैं एक दो प्रॉब्लम और आपको इसके ऊपर बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके ना आराम से आप लोग नोट डाउन कर लिया करो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 4 प्लस माइनस 0.4, ये हमें ए की वैल्यू दी गई है। और बी की जो वैल्यू हमें यहाँ दी गई है बेटा, वो है अपने पास में 16 प्लस माइनस 1.6। ए की वैल्यू हमारे पास में ये है और बी की वैल्यू हमारे पास में ये है। ठीक है, हमें बताना है कि बिल्कुल ऐसे ही एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये प्रॉब्लम है बेटा अपने पास में। ए हमें गिवन दिया गया है, बी हमें गिवन दिया गया है, ऑपरेशन हमें गिवन दिया गया है। हमें ये बताना है कि x की वैल्यू को हम यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए a की मेन वैल्यू क्या है आपके पास में। a की मेन वैल्यू है आपके पास में 4। a के अंदर एरर कितनी है? a के अंदर एरर है 0.4। b की मेन वैल्यू क्या है बेटा आपके पास में? b की मेन वैल्यू है 16। और b की एरर वाली वैल्यू कितनी है आपके पास में? b की एरर वाली वैल्यू है 1.6। a की मेन वैल्यू 4, ये a की एरर वैल्यू, ये b की मेन वैल्यू, ये b की एरर वैल्यू। अब देखो हम कैसे करेंगे। ऑपरेशन क्या है हमारे पास में? ऑपरेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। हमें निकालनी है सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू। तो x निकल जाएगा हमारे पास में ए बी की पावर 1/2। इधर से स्क्वायर हटाकर हमने इधर 1/2 लगा दिया। अब आप देखिए बेटा, x इज इक्वल टू a है हमारे पास में 4, b है हमारे पास में 16 की होल पावर 1/2, 4 इंटू 16 यानी 64 की होल पावर 1/2, और 64 की पावर 1/2 यानी 8। 64 का अंडर रूट होता है 8। ये हमारी x की मेन वैल्यू निकल गई है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी निकल चुकी है x की मेन वैल्यू। कैसे निकाली है बिल्कुल ध्यान रखेगा अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप करके। अब हमें निकालनी है x की एरर वाली वैल्यू। जस्ट अभी हमने ऑपरेशन बनाया ये, x इज इक्वल टू a की पावर 1/2 और साथ में है b की पावर 1/2, क्योंकि हमें चाहिए x की पावर 1। हमें चाहिए x की पावर 1, और x की पावर 1 बनाने के लिए हम जब 2 को दूसरी तरफ लेकर गए तो वो हमारा उधर जाकर बन गया a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2।
अब जब हम इसे एरर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ए को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, और ये 1/2 आ जाएगा इसके साथ, प्लस ये 1/2 आ जाएगा इसके सामने, और यहाँ हम इसे लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी। ओके बेटा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं और देखिए क्या है हमारे पास वैल्यू, डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 8, डेल्टा ए कितना है हमारे पास में, डेल्टा ए है 0.4 और ए की वैल्यू है 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। डेल्टा ए है 0.4, ए है 4 और अपॉन में है 2, उसके बाद प्लस 1/2। डेल्टा बी की वैल्यू है हमारे पास में बेटा 1.6 डिवाइडेड बाय 16, मतलब मैंने जो वैल्यूज़ मुझे यहाँ गिवन थी वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी हैं। अब जैसे ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे देखो क्या रिज़ल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा। चलो भैया देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा। डेल्टा एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1.6 अपॉन 32 और यहाँ भी है 1.6 अपॉन 32, ये हो गया 3.2 अपॉन 32, डिवाइड करेंगे तो ये निकल गया हमारे पास में 1/10। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई हमारे पास में वो आई 8/10 यानी 0.8, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। ये निकल गई बेटा हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू, कैलकुलेशन करके सिंपल डेल्टा एक्स हमने निकाल दिया। एक्स हमारा पहले ही आ चुका है 8, डेल्टा एक्स आ गया हमारा इतना, तो इस एक्स को हम लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 0.8, और अगर आपको इसकी परसेंटेज एरर चाहिए तो 0.8 को रखेंगे ऊपर, 8 को रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड द करेक्ट आंसर इज 10%। एक्स के अंदर जो हमारी परसेंटेज एरर आएगी वो 10% आएगी, मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े भी आ जाते हैं इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, नोट करिए एक और क्वेश्चन की हम यहां प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और एक नई बात हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए बेटा देखिए हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन है क्या। बेटा नेक्स्ट कंडीशन है अपने पास में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². हमें ऑलरेडी फॉर्मूला दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². ओके, इसके साथ साथ हमें क्या गिवन दिया गया है, इसके साथ साथ हमें दिया गया है मास 1 प्लस माइनस 0.1 kg, इसके साथ साथ हमें दी गई है वेलोसिटी 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला आपके सामने है, मास आपके सामने है, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो वो आपके सामने है, आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है बिल्कुल ऐसे ही टर्म में जैसे मास लिखा हुआ है ऐसे कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ये है मास की मेन वैल्यू, मास की मेन वैल्यू हो गई है 1 kg, मास की एरर वैल्यू हो गई है 0.1 kg, वेलोसिटी की मेन वैल्यू हो गई है 5 m/s और वेलोसिटी की एरर वाली वैल्यू हो गई है 0.5 m/s। हमारे पास में मास की जो मेन वैल्यू हो गई है वो है 1 kg, हमारे पास में मास की जो ये वाली वैल्यू है ये है 0.1 kg, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 5 m/s और वेलोसिटी की जो एरर वाली वैल्यू है हमारे पास में वो है 0.5 m/s। ये 4 डेटा हैं बेटा हमारे पास में, हमें काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की मेन वैल्यू। क्या है भाई काइनेटिक एनर्जी की मेन वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की मेन वैल्यू का फॉर्मूला है हमारे पास में ये, देखो जरा क्या है फॉर्मूला,
हाफ, मास की वैल्यू कितनी, यहां हाफ को मत हटाना, हाफ को तब हटाते हैं जब एरर निकालते हैं, यहां एरर नहीं निकाल रहा हूं, यहां काइनेटिक एनर्जी की मेन वैल्यू निकाल रहा हूं, तो यहां कांस्टेंट को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मास की वैल्यू है हमारे पास में यहां 1 और वेलोसिटी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये निकल गया 12.5 जूल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की मेन वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम एरर वाली वैल्यू पर, जब एरर निकालेंगे। सबसे पहले चेक करो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है या नहीं है, बिल्कुल है। इसे हम लिखेंगे डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू, यहाँ हाफ को हम हटा देंगे क्योंकि हाफ कांस्टेंट है, मास की पावर 1 है, मास की पावर 1 है तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम, वेलोसिटी की पावर 2 है तो हम इसे लिखेंगे 2 डेल्टा वी अपॉन वी। हमने एरर में इसे कन्वर्ट कर दिया बेटा। अब देखो हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या हैं। डेल्टा के अपॉन के की वैल्यू है हमारे पास में 12.5, डेल्टा एम की वैल्यू है 0.1, एम की वैल्यू है 1, डेल्टा वी की वैल्यू है 0.5 और यहाँ है हमारे पास में 5। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। डेल्टा के इज इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा के और ये है हमारे पास में के। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की मेन वैल्यू भी निकल गई और एरर वाली वैल्यू भी निकल गई। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाए हैं ये आप लोगों को समझ आए होंगे। और अभी तो हमने कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं, अभी तो हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी इसके ऊपर बनानी है, काफ़ी कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है। बस आप लोग अपना ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ में ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली देखते रहें, हमारी कॉल्स को रिसीव करें, अपना फीडबैक दें। कोई अगर प्रॉब्लम, कोई समस्या आपके सामने आ रही है रिगार्डिंग टू द स्टडी, रिगार्डिंग टू द काउंसलिंग, हमारे साथ शेयर करें, हम उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर एक्सेस को लैपटॉप पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं बेटा। तो अगर आप लैपटॉप पर अपना एक्सेस शिफ्ट करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी लोगों के पास में है, मेरे पास में कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के एक्सेस को लैपटॉप पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।